उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य सूची जारी करने के बाद स्वागत समारोह का दौर लगातार जारी है, जिसे लेकर अखिल भारतीय लोधी महासभा के समस्त कार्यकारिणी ने प्रदेश सरकार के नामित पिछड़ा वर्ग सदस्य श्री घनश्याम लोधी जी का पूरी भव्यता के साथ जोशीला अंदाज में स्वागत किया। हम आपको बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार ने जनपद मथुरा में पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य के लिए दो महाचुनावों को चुना है। यह मथुरा जनपद में समाज के होनहार नामित सदस्य श्री घनश्याम लोधी को चुना है, जिसे लेकर अखिल भारतीय लोधी महासभा के द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में आए घनश्याम लोधी जी ने वीरांगना रानी आवंती भाई की तस्वीर पर माल्यार्पण कर स्वागत समारोह का कार्यक्रम शुरू किया। वहीं इस दौर पर अखिल भारतीय लोधी महासभा के कार्यकारिणी ने उनका तस्वीर भेंट कर माला पटुका पहना कर जोशीला स्वागत किया। क्या कहेंगे, आज प्रदेश सरकार ने आपको सदस्य के पिछड़ा वर्ग सदस्य के रूप में चुना है, क्या आपकी संवेदना है जनता के प्रति? कैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को और संगठन के सभी बड़े मेरे वरिष्ठ जनों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग में समझा कि आज राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य के रूप में मेरा यहाँ मनोनयन हुआ है और मैं अपनी लखनऊ में ज्वाइन करके आया हूँ। 12 तारीख को हमारी पहली बैठक होने वाली है। निश्चित रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मैं पिछड़े वर्ग में आने वाली समस्त जातियों के हितों की चिंता करना, उनके समस्याओं पर फोकस करना आदि आदि विषयों को लेकर के हम लोग काम करने वाले हैं और 12 तारीख की बैठक में हम लोगों का खाने व्यवहारी भी होने वाली है। आज राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने के बाद यहाँ पर एक स्वागत कार्यक्रम होता है। मित्रों, यद्यपि हम जो जिस विचार के लिए काम करते हैं और जिस विचार को लेकर के हम जिन संगठनों में काम करते हैं वहाँ जातिगत व्यवस्थाओं को कोई स्थान नहीं है। एक जाति विहीन हिंदू समाज की रचना की कल्पना हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, व्यक्ति जिस कुल में जिस जाति में जन्म लेता है उस जाति के प्रति उस कुल के प्रति भी उसका उत्तरदायित्व उतना ही बनता है जितना अपने देश के प्रति और अपने धर्म के प्रति। मैं भी लोधी समाज में पैदा होने के कारण मेरा भी उत्तरदायित्व उतना ही बनता है लोधी समाज के प्रति जितना आप इस स्वागत समारोह के द्वारा अपना उत्तरदायित्व प्रदर्शित कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि आप मेरी कार्यशैली से भली बात परिचित हैं कि मेरे संज्ञान में आने के बाद किसी समस्या को ये आवश्यक नहीं कि वो व्यक्ति मेरे तक आए या खुद उस तक पहुँचने का प्रयास करता है। और कोई व्यक्ति मेरे पास आता भी है तो मैं कभी उसे उसका काम हो पाए या ना हो पाए ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन मेरे प्रयासों में कभी कोई कमी ना रही है और ना कभी रहेगी। तो मैं आप सब लोगों के प्रति अपने इन वचनों द्वारा आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे इसी को समझा है कि यहाँ पर सम्मान देने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। मित्रों, निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जहाँ पर लोग बूथ कार्यकर्ता से लेकर और प्रधानमंत्री तक बने। ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जहाँ कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनता है, कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनता है, कार्यकर्ता ही राज्यपाल बनता है और कार्यकर्ता ही विभिन्न दायित्वों पर विभिन्न पदों पर रहते हैं। यहाँ भाई भतीजावाद, कुंबावाद इन सबको कोई स्थान नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता जिस स्तर का होता है उसकी रुचि जिस कार्य करने में होती है उसकी रुचि के अनुसार
और उसकी क्षमताओं के अनुसार, उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार पार्टी उसके बारे में चिंतन करती है और पार्टी उसको उचित स्थान यथासमय प्रदान करती है। मैं खुद देख रहा हूँ कि लोधी समाज का गौरव और मान जितना भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश में 2 बार माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, उमा भारती जी दीदी जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, भारत सरकार में मंत्री रही, आज प्रहलाद पटेल जी भी मंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, आदि आदि उत्तर प्रदेश सरकार में कई लोग मंत्री रहे, विधान परिषद के चेयरमैन रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो कुल मिलाकर के जो सम्मान मोदी समाज को भारतीय जनता पार्टी में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलने वाला है। और मैं बड़े स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ आज आप लोगों के मन से कि अगर मुख्यमंत्री अगर मोदी समाज का कोई बन सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बन सकता है, अन्यथा किसी पार्टी में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो मंच से बोलते भी हैं। भाई बड़ी सीधी सच्ची साफ़ी बात है, मायावती जी तो स्पष्ट बोलती है कि जब भी मेरी पार्टी का मुखिया कोई बनेगा तो वो इसी फला फला समाज का बनेगा। और लोग बोलते नहीं है लेकिन उनके कृतित्व से साफ स्पष्ट होता है कि वहाँ जो कुछ मिल रहा है वो किन लोगों को मिल रहा है, ये आप लोगों से छुपी बात है। इसलिए मेरा आपसे करवत निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहाँ लोधियों को यथा समय और व्यक्ति की सामर्थ्य अनुसार उसको लगातार सम्मान समाज को यहाँ पर मिलता रहा।